बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखनी। एक तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने तमाम सहाफ़ी जिनके ऊपर इस वक्त रियासती जबर किया जा रहा है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। साबिर शाकिर साहब के बारे में, वो तो पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया। अरशद शरीफ, उनके हालात आपके सामने, मुकदमात हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। इसके अलावा समी इब्राहिम साहब हैं, जमील फ़ारूकी है और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं। इसके अलावा जी आरफ अहमद भट्टी साहब जो हैं, वो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से उनको बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है, इवन उनकी नौकरी के पीछे पड़े हुए लोग। तो इमरान खान साहब ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई। दीगर कुछ लोग जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, माजरा चाहता हूँ, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त हुकूमती जबर का सामना कर रहे हैं, रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। और सिर्फ ये कहने की वजह से कि पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में एक हुकूमत को गिराकर दूसरी हुकूमत बनाई गई है और इसमें इदारों का हमेशा जैसे हिस्सा रहता था वैसे भी आज भी हिस्सा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वजह से इन सहाफ़ियों को सबको दबाया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि ये फासिज्म है और रास्ता रोका नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के ऊपर मैं वो कुछ सुनता हूँ कि मैं खुद नहीं कह सकता, और लोग इदारों से बराह रास्त मुखातिब हैं, और जो इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं जब वो मेरे साथ रब्ता करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे हैरत होती है कि ये कैसे हो सकता है। वो लोग ये कहते हैं कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, यानी बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, उन इदारों में काम करने वाले लोग हमारे साथ रब्ता करके ये कहते हैं। इवन जो पुलिस वाले मेरे घर भेजे गए उन्होंने भी कहा कि इमरान भाई हम आपके साथ हैं, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। इसी तरह बाकी इदारों के लोग भी यही कहते हैं कि ज्यादती आप लोगों के साथ हो रही है, हमें पता है। अब इससे पहले कि ये रिएक्शन बाहर निकले, इससे पहले कि ये लावा फटे, मेरे ख्याल में अकलमंदी इस बात में है कि पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, ऐसे नहीं जैसे इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खिलवाड़ करने वाले कौन है वो आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कह भी चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं सारा कुछ जानता हूं, और मेरे मुल्क को नुकसान ना हो इसलिए मैं चुप हूं। ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया गया या हरासा करने का ये सिलसिला बंद ना किया गया तो फिर मैं बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा, मुझे मजबूर ना किया जाए वरना मैं सब कुछ बोलूंगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब धमकी धमकी लगाते थे ना कि मैं बता दूंगा, उन्होंने कभी नहीं बताना, ना उनको कुछ पता है। नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं बताना क्योंकि इस खानदान के स्टेक्स इतने बड़े हैं, ये कभी भी पंगा नहीं ले सकता। लेकिन इमरान खान के बारे में मैं ये जानता हूं कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है वो जिस दिन ये सोच लेंगे ना उन्होंने बताना है, तो वो सारे जो कुछ उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना, वो नहीं चाहते कि वो बातें उनको अपने मुंह से बोलनी पड़े। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इमरान खान साहब अपने मुंह से वो सारी बातें बोलें, एक एक शख्स का नाम लें और एक एक बंदे के बारे में बताएं कि इसका ये रोल था, इसका ये रोल था, ये इतने बजे मिला, इसने ये किया, ये फलां को जाके मिला था, उसने यूं करके कहा, मुझे फलां ने ये कहा, और इस तरीके से सारा रोल प्ले करके पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। और अगर इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ बताया तो किस किस के लिए क्या क्या मसला बन जाएगा। ये कहानियां खाली इमरान खान साहब को नहीं पता, बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहते, हमें पता।